मुल्ला नसरुद्दीन, चतुर लोगों की चतुराई। एक सुबह मुल्ला नसरुद्दीन एक झील के आसपास भटक कर रहा था। ठंडी हवा झील की सतह पर लहरें पैदा कर रही थी। झील के किनारे हरी घास और काई जमी थी। चारों ओर पंछी चहक रहे थे। मुल्ला नसरुद्दीन झील के किनारे बैठकर प्रकृति का आनंद ले रहा था। उसने अपने आसपास के छोटे कंकड़ जमा किए और उन्हें पानी में फेंकना शुरू कर दिया, जिससे पानी में और ज्यादा लहरें पैदा हो गई। कंकड़ से बचने के लिए मछलियां इधर उधर भागने लगी। बतखों की आवाज सुनकर मुल्ला सोच में पड़ गया। उसने देखा कि झील में बतखों का झुंड तैर रहा था। मुल्ला ने मन ही मन सोचा, रात के खाने के लिए एक दो बतख पकड़ना अच्छा रहेगा। वो उठकर बतखों के पास जाने के लिए पानी में उतरने लगा। रात के शोरबे के बारे में सोचकर मुल्ला बेहद उत्साहित था। बतखों ने मुल्ला को आते देखा और दूर चले गए, लेकिन मुल्ला उनकी ओर बढ़ता रहा। उसने बतखों को खाने की ठान ली थी। जैसे ही मुल्ला ने उनकी ओर छलांग लगाई, बतख उड़ गए। हैरान मुल्ला फिसलता हुआ पानी के नीचे फिसल गया। सांस लेने के लिए उसने जैसे ही हवा लेने की कोशिश की, उसने हवा की जगह पानी की घूंट ले ली। आखिरकार वो खांसता हुआ झील के बाहर निकला और किनारे पर बैठ गया। उसने सोचा, भले ही मैं पहली बार असफल हुआ हूं, फिर भी कोशिश करूंगा। मुझे उम्मीद नहीं खोनी चाहिए। लेकिन बतख इस बार और ज्यादा सावधान थे और उनकी एक अलग योजना थी। सभी बतख झील के बीचों बीच जमा हो गए और एक इंच भी नहीं बढ़ रहे थे, क्योंकि मुल्ला नसरुद्दीन के पास और कोई चारा नहीं था। वो झील में उतर गया और झील के बीच चला गया, लेकिन फिर बतख दूसरे कोने में चले गए। कई असफल प्रयासों के बाद मुल्ला थक गया और झील के किनारे लेट गया, ताकि वो खुद को सुखा सके और थोड़ी सांस ले सके। थोड़ी देर बाद उसने अपना झोला खोला। उसने उसमें से एक रोटी निकाली और उसे पानी में डुबोकर खाने लगा। पास के गांव के कुछ लोग झील के पास से गुजर रहे थे। जब उन्होंने देखा कि मुल्ला झील में रोटी डुबोकर खा रहा है, एक आदमी ने पूछा, मुल्ला क्या कर रहे हो? मुल्ला ने जवाब दिया, ये बतख का शोरबा है। उस आदमी ने मुल्ला की ओर आश्चर्य से देखते हुए पूछा, बतख का शोरबा? गांव के बाकी लोग एक दूसरे को हैरानी से देखते रहे। मुल्ला ने उनकी उलझन को देखा और हंसते हुए उत्तर दिया, चतुर लोग ऐसे ही करते हैं। जो असफलता को स्वीकार करता है, वो हमेशा खुश रहता है।